स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल. आई एम शबनम खान. टुडेस टॉपिक इज यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, लास्ट का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेफ्रॉन पढ़ा था. नेफ्रॉन एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी का, जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है. ये चीज़ हम लोगों ने देखी हुई है. ये जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशंस. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट एक एक करके हम उस स्टेप को फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट जो होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन है. अल्ट्राफिल्ट्रेशन है तो जो फर्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, यानी हम यहाँ पे जो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है उसकी बात करेंगे, यानी हम इस कप शेप स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसको मर्फीजियंस ट्यूबुल कहते हैं, क्योंकि हम इन सब की बात करेंगे. सिर्फ एक वोमेंस कैप्सूल की बात नहीं करेंगे, हम इन सब की बात करेंगे. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हम मल्टीफिजियंस ट्यूबुल की बात करेंगे. ओके, अब देख लेते हैं कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है. जैसे वोमेंस कैप्सूल में मैंने बोला कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स आता है, ढेर सारे ब्रांचेस में यहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है और बाकी जो भी मटेरियल बचा रहता है और यू नो ब्लड में जो फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है वो डिफरेंट आर्ट्रियोल्स में चला जाता है. अब इसको ध्यान से देखकर आप बता सकते हो कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स कुछ ब्रॉड दिख रहा है डिफरेंट की कंपेरिजन में, ऐसा है ना. ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स है वो इफरेंट आर्ट्रियोल्स के कंपैरिजन में कुछ ब्रॉड दिख रहा है, यानी ये जो पाइप है ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स है वो ब्रॉड है इफरेंट आर्ट्रियोल्स है. ब्रॉड है तो ब्लड भी ज़्यादा जाएगा, ब्रॉड है यानी चौड़ा है तो ब्लड भी ज़्यादा जाएगा, और ब्लड ज़्यादा जाएगा तो प्रेशर भी हाई होगा. समझ में आ रहा है ना कि जो ब्लड आ रहा है प्यूरिफाई होने के लिए वो एफरेंट आर्ट्रियोल्स से ही आ रहा है. एफरेंट आर्ट्रियोल्स इसके कंपैरिजन में बड़ा है, मोटा है, चौड़ा है, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में आएगा और उसका प्रेशर भी कम होगा. अब आप सोचोगे तो फिर ये नैरो क्यों हो गया, अभी मैं बताती हूँ. पहले हम इसको पढ़ लें, मैं एक्सप्लेन करूँगी. द ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर विच इज मच ग्रेटर देन इन द कैपिलरीज एल्सवेयर, यानी जितनी भी कैपिलरीज हैं उनके कंपेरिजन में इफ एफरेंट आर्ट्रियोल्स में जो ब्लड आ रहा है, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आ रहा है वो बहुत हाई प्रेशर से आ रहा है. ओके, द रीजन फॉर दिस ग्रेट प्रेशर इज दैट द एफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरो देन द एफरेंट आर्ट्रियोल्स. इसका क्या रीजन हो सकता है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स है वो बहुत नैरो है तो इसके कंपैरिजन में ये चौड़ा है तो इसलिए इसमें ब्लड ज़्यादा आ रहा है, इसका प्रेशर ज़्यादा है और मैक्सिमम फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, द हाई प्रेशर कॉजेज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड टू फिल्ट्रेट आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स. ये जो PCT DCT लूप ऑफ एनी की हम बात करते हैं उसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं. ठीक है, दिस फिल्ट्रेशन अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्सेज इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत तेजी हाई प्रेशर से आ रहा है, तो जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है उसको हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहेंगे, क्योंकि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर से यहाँ पे फिल्ट्रेशन का वर्क चल रहा है. ठीक है, अब यहाँ से ब्लड आ गया, ये रीनल आर्टरी जो है डिवाइड हो गई आर्ट्रियोल्स में, एफरेंट आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हुई, जो ब्लड को उसने भेजा यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल्स आया, ढेर सारे कैपिलरीज में डिवाइड होके ग्लोमेरुलस बनाया. अब यहाँ पे जो है बहुत ढेर सारे पोर्स हैं, प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब ये पोर्स का मतलब इसको कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जो हमारे यहाँ चाय को छानने वाली छन्नियाँ होती हैं, सीव्स जिसको बोलते हैं उसके जैसा लग रहा है, या फिर आटा भी चालते हैं वैसे टाइप की सीव्स की तरह लग रहा है ना, जस्ट लाइक वैसे ही होता है. यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं जो फिल्ट्रेट को लेते हैं या फिल्टर करते हैं. तो यहाँ पे जो है कैपिलरीज में सारे ब्लड्स हैं, ये ब्लड्स में कैपिलरीज में आ रही है ना, ब्लड आ रहे हैं ना, ये सारे ब्लड यहाँ पे हैं. अब ब्लड में बहुत सी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये ब्लड जो होता है इम्प्योर है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल भी हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका फिल्ट्रेशन बहुत फोर्स से हो रहा है इसलिए इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स से इसका फिल्ट्रेशन चल रहा है. अब भाई हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है, फिल्ट्रेशन में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर लग रहा है, तो मैक्सिमम चीज़ें तो यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगी ना. तो क्या होता है कि भाई सीव जो होता है छोटे छोटे पोर्स हैं,
तो छोटे छोटे पोर्स है, तो जितनी भी छोटी छोटी चीजें होंगी वो उसमें फिल्टर होके यहाँ पे चली आएंगी, हमारे पीसीटी में चली आएंगी, ठीक है। और जो चीजें फिल्टर नहीं हो पाए, जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हो गए, ब्लड सेल्स के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये क्या है, कुछ बड़े सेल्स हैं जो फिल्टर नहीं हो पाए हैं, वो ग्लोमेरुलस में फिल्टर नहीं हो पाए, वो ग्लोमेरुलस के यहाँ पे रहेंगे और ब्लड जो फिल्टर होके जा रहा है उसमें वो एफरेंट आर्टरियोल्स में चले जाएंगे। अब जो प्रोटीन और ब्लड सेल्स है वो अच्छी चीज़ें हैं जो ब्लड में होनी चाहिए, तो उसमें फिर कोई टेंशन की बात नहीं है कि वो फिल्टर नहीं हुए, तो अच्छा है, क्या जरूरत है उनको फिल्टर होने का। तो जो प्रोटीन है ब्लड सेल्स है वो यहाँ पे रुक जाएंगे, वो क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल से वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे और वो फिर से इफरेंट आर्टरियोल्स में चले जाएंगे। ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना बच्चों, ये पूरे के पूरे नेफ्रॉन में चारों तरफ घेर के रखी रहती है, नेफ्रॉन को क्यों घेर के रखी रहती है। अब भाई यहाँ पर जो फिल्टर होके फिल्ट्रेट आ गया, जिसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे। अब इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी तो आ सकती है ना, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं फिल्टर हो पाए, छोटे मॉलिक्यूल्स तो हो जाएंगे ना। अब वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कौन कौन चीज़ें फिल्टर होके आ गई है, वो हुई है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, वाटर, सॉल्ट, सॉल्ट में NaCl वगैरह है। तो बड़ी चीज़ें फिल्टर नहीं हुई, जैसे चाय को हम छानते हैं चाय छन्नी में, तो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स अदरक के या और चाय पत्ती ये सारी क्या होते हैं, नहीं छन पाते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। वैसे जो प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या फिर ब्लड सेल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसमें फिल्टर नहीं हो पाए, वो वैसे के वैसे रहें, बट वो ब्लड के लिए ज़रूरी हैं तो वो ब्लड में जाके मिल गए। मगर जो फिल्टर होगा जो छोटे मॉलिक्यूल्स से, वो कहाँ चले आए, वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर आके पीसीटी में चले गए, कहाँ चले गए, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल्स में चले गए। तो हमारे जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर होके आया हुआ है, उसमें क्या क्या है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, वाटर, सॉल्ट। अब क्या हुआ, अब ये सब चीज़ें भी तो बहुत ज़रूरी है ना, ये सब ब्लड में फिर से जाना है, क्योंकि हमें ग्लूकोज भी चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड करता है, अमाइनो एसिड भी हमें बहुत ज़रूरत होता है, यूरिया क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है ये हमें नहीं चाहिए, इसी को तो निकालना है बॉडी से, वाटर, वाटर तो भाई बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और सॉल्ट भी ज़रूरी है, NaCl वगैरह। तो ये तो चला गया फिल्टर होके, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बन के वोमेंस कैप्सूल से पीसीटी में चला गया है। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने बताया कि ये पीसीटी में चला गया है, पीसीटी जो है ये है, ठीक है, अब ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब ये जो ब्लड सेल्स जो बची हुई हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, ये जो होती हैं, ये पूरा इसको घेरी रहती हैं, ये क्या करती हैं, पूरा इसको कवर की रहती हैं, ठीक है, ये पूरा इस तरह से इसको कवर की रहती हैं। उससे क्या होता है कि जो भी मटेरियल इसमें आया हुआ है, जो भी मटेरियल फिल्ट्रेट होके ग्लोमेरुलस कैप्सूल से गया हुआ है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से पीसीटी में गया होता है, वहाँ पे वो उनसे लेती रहती हैं कि भाई ये तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ब्लड में होना चाहिए, तो इसको तो मुझे चाहिए, तो प्लीज़ वो मुझे दे दो। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो देख लिया कि भैया जो जो चीज़ों का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना था वो हो गया, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी चली गई, तो उनका क्या होना है, रीअब्जॉर्प्शन होना है, क्या होना है, रीअब्जॉर्प्शन होना है। तो नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद का यूरिन फॉर्मेशन का ये फोर्थ स्टेप है, क्या है, ये फोर्थ स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ पे हम इसके आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से जो चीज़ें ब्लड में यूरिन में चली गई हैं, जो फिल्ट्रेट में चली गई हैं, उनका फिर से ब्लड में जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसीलिए वहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, जो यूरिन बन रहा है, उससे उसका रीअब्जॉर्प्शन होके फिर से ब्लड में जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो सेकेंड क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अब हम आगे हैं सेकेंड पार्ट, जो यूरिन फॉर्मेशन में होता है वो है रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग ने देख लिया जो वोमेंस कैप्सूल में हो रहा है, अब वोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना, यानी जो पीसीटी में गया,
उसमें कुछ यूजफुल चीज़ें होंगी जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सॉल्ट में NaCl हो गया, वाटर हो गया। अब ये सब यूरिया के साथ ये सब चीज़ें भी चली गई हैं क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल से वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट नहीं हो पाए। तो अब क्या होगा, क्योंकि ब्लड में इनका जाना तो ज़रूरी है, तो क्या होता है PCT से चीज़ों का रीअब्सॉर्प्शन होता है। यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये हो गया बोमेंस कैप्सूल, क्या हो गया मोबेंस कैप्सूल हो गया, ये हो गया PCT, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, ये हो गया DCT और ये क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल्स, यहाँ पे गया ढेर सारे कैपिलरीज में डिवाइडेड हो गया और यहाँ से ये किस में निकल गया, इफ्रेंट आर्टरियोल्स में। अब ये जो कैपिलरीज हैं ब्लड कैपिलरीज, ये सब इसको घेरे रहेंगी, ये नेफ्रॉन को घेरी रहेंगी। ठीक है, ये नेफ्रॉन को घेरी रहेंगी चारों तरफ से। इसका यही रीज़न है बच्चों, क्योंकि ये पता है कि बहुत सी चीज़ें फिर से जो यूरिन फॉर्मेशन का जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे, यूरिन फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे अभी, मतलब यूरिन उसको नहीं बोलेंगे, उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे क्योंकि अभी तक पूरी तरह से यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें थी जो ब्लड में चली गई, यानी ये सब में चली गई हैं। अब जो चीज़ें फिल्टर होकर छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो ग्लूकोज इसमें बोमेंस कैप्सूल से PCT में चली गई हैं, अब वो चीज़ों का ब्लड में जाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये प्रोसेस आया है जो है रीएब्जॉर्प्शन। री मतलब फिर से, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्व करना, यानी फिर से उसको एब्जॉर्व कर लेना। तो द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, यानी जो यहाँ से फिल्टर होकर चीज़ें आई हैं, इंटरिंग द रीनल ट्यूबल्स, इस पार्ट को पूरे हम रीनल ट्यूबल्स बोलेंगे, इज नॉट यूरिन। मैंने बोला ना कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे, उसको यूरिन नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी भी उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो ब्लड में होनी चाहिए। इट इज एन एक्सट्रीमली डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग अ लॉट्स ऑफ यूजफुल मटेरियल इंक्लूडिंग ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड एंड सम सॉल्ट्स। ओके, तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यहाँ से फिल्टर होके आया है वो PCT में चला जाएगा। अब PCT में गया, अब ब्लड कैपिलरीज को पता है कि भाई ये बहुत यूजफुल चीज़ें हैं, हमें तो चाहिए, इसीलिए ये पूरा इसको कवर करी हुई है क्योंकि यहाँ पे पूरे जो ये है ट्यूबुल्स, रीनल ट्यूबुल्स है, इसमें रीअब्सॉर्प्शन की ही प्रोसेस होती है। तो PCT जो होता है वहाँ पे मैक्सिमम 70-80% रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे जो भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, ये सारी चीज़ें आई हैं, वो फिल्टर होके कहाँ चली जाएंगी, वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाएंगी। ठीक है, अब कुछ बच गई, मान लो कि NaCl, वाटर वगैरह पूरी तरह से नहीं एब्जॉर्ब हो पाया, वो लूप ऑफ हेनले में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज है ना प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी रीअब्सॉर्प्शन होगा। जो बच गया है चीज़ें जैसे कि NaCl यानी सॉल्ट्स और वाटर जो बच गए हैं, उनका भी रीअब्सॉर्प्शन इसमें होगा, फिर से ब्लड कैपिलरीज उन चीज़ों को रीअब्सॉर्ब कर लेगी। अब उसके बाद जो भी फिल्टर बच गया वो कहाँ गया, लूप ऑफ हेनले से DCT में गया। अब DCT में चला गया तो क्या हुआ, हो सकता है कि अभी भी कुछ बचा हो, पॉसिबिलिटी है ना कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें बची हों जिनका ब्लड में वापस जाना बहुत ज़रूरी हो, वाटर हो सकता है और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, सॉल्ट्स में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, पोटेशियम होता है, बहुत से क्लोराइड्स होते हैं, बहुत से सोडियम्स होते हैं, तो उनका भी ब्लड में जाना ज़रूरी हो यूरिया को छोड़ के, तो वहाँ पे भी रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, उससे भी चीज़ें ब्लड कैपिलरी जो होता है रीअब्सॉर्ब कर लेता है। यानी PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT जो होता है वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस चलती रहती है। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पे होता है, PCT में, यानी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स में होता है। कितना होता है, 70-80% हो जाता है रीअब्सॉर्प्शन। बाकी जो बचा रहता है मैक्सिमम उसमें वाटर और सॉल्ट ही होते हैं जो लूप ऑफ हेनले और DCT में एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
ठीक है, तो रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस समझ में आई कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आया उसमें कुछ अच्छी चीजें आ गई जो ब्लड को चाहिए, ब्लड के लिए जरूरी होती हैं, तो वो इन डीसीटी लूपों फैले और पीसीटी से रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि इन नेफ्रॉन को ब्लड कैपिलरीज पूरी तरह से घेरी हुई होती है और ये सब थिन वॉल होती है, इजिली इनका आना जाना लगा रहता है, आराम से इसमें चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट जो होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब क्या होता है कि चीज़ें तो चली जा रही रीअब्सॉर्प्शन में, उसमें कुछ हो सकता है यूरिया भी चला जाए, भाई रीअब्सॉर्ब हो रही हैं चीज़ें तो कुछ खराब चीज़ें भी ब्लड में फिर से रीअब्सॉर्ब होके जा सकती हैं, पॉसिबिलिटी है ना इसकी। तो यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस चल रही है, बाद में पता चला कि भैया कुछ गंदी चीज़ें फिर से चली गई हैं ब्लड में, तो अब क्या होगा, उनका सिक्रीशन होगा, वो अब ब्लड सेल से निकल के इसमें चली जाएंगी। तो सर्टेन सब्सटेंस लाइक पोटेशियम इन द नॉर्मल कोर्स यूरिया दिस पैसेस इन्वॉल्व द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स ऑफ द ट्यूबुलर वॉल एंड हेंस इट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। यानी जो ट्यूबुल्स होते हैं वहाँ से चीज़ों का सिक्रेशन, मतलब ब्लड सेल्स में जैसे यूरिया चला गया है, पोटेशियम चला गया है, ये सब चीज़ें नहीं जानी चाहिए ब्लड में, क्योंकि हमें तो पूरी तरह से ब्लड को प्यूरीफाइड करना है। तो अगर चला गया है तो उसका सिक्रेशन होगा वहाँ से ट्यूबुल्स में कि वॉल में, वो चला जाएगा और जब चला जाएगा उसके बाद फाइनली जो हमारा होता है यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है। क्या होता है कभी कभी कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ वाटर ज़्यादा होने पे वहाँ पे भी यूरिन वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, क्योंकि जो बन रहा है यूरिन फॉर्मेशन वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, बट हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि 1 to 1.0 liter डेली हम यूरिन जो होता है बाहर निकालते हैं, बट बन रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा ही बन रहा है, तो 180 या इतने लीटर के करीब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है डेली, बट हम तो निकाल रहे हैं सिर्फ 1 to 1.5 liter, बाकी यूरिन कहाँ जा रहा है, क्योंकि उस यूरिन में मैक्सिमम वाटर रहता है, तो इसीलिए उनका फिर से रीअब्सॉर्प्शन किडनी करती रहती है उन वाटर का, और जो यूरिन निकलता है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होता है, जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होता है उसमें जो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है और वाटर होता है। ठीक है, तो यानी बन तो रहा है बहुत ढेर सारा यूरिन, बट उनका फिर से रीअब्सॉर्प्शन हो जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट से, क्योंकि उसमें बहुत वाटर अभी भी प्रेजेंट है, तो कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रही है, उन वाटर को फिर से निकाल के लूप ऑफ हेनले में भेज दे रही है, क्योंकि हमें उतना यूरिन में वाटर नहीं चाहिए। तो ये रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस सब में चली जा रही, सब तो मतलब चलती जा रही जब तक कि एक कंप्लीट यूरिन और नाइट्रोजिनस वेस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। तो समझ में आ रहा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस के पार्ट और वुमेन्स कैप्सूल में होता है वो चीज़ें नहीं फिल्टर हो पाती हैं, जो बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स में होती हैं जैसे प्रोटीन और ब्लड सेल्स हुआ वो ब्लड सेल्स में चली गई, बाकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है पीसीटी में, उसमें बहुत ही यूज़फुल चीज़ें होती हैं जो फिल्टर होके ब्लड सेल्स में चली, ब्लड कैपिलरीज में चली जाती, ब्लड वेसल्स में चली जाती, बाकी जो होता है 70-80% तो यहीं पर रीअब्सॉर्प्शन हो गया, बाकी लूप ऑफ हेनले में डीसीटी वगैरह में होता है, उसके बाद भी वाटर इतना यूरिन में रहता है कि कलेक्टिंग डक्ट में भी जाके उसका रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, फिर से वाटर लूप ऑफ हेनले में आ जाता है, कुछ वेस्ट चीज़ें भी फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं ब्लड वेसल्स में, तो उसका थर्ड उसमें ट्यूबुलर सिक्रेशन में उसका सिक्रीट हो जाता है, वो ब्लड वेसल्स से फिर से ट्यूबुल्स में चले जाते हैं। समझ में आ गया, इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, तीन ऐसे पार्ट हैं जो यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। मैं इसके बाद के वीडियोस को एक फिर से समराइज करने के लिए एक नया वीडियो लूँगी, जिसमें हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ साथ यूरिन फॉर्मेशन बोथ को
साथ में देखेंगे और स्ट्रक्चर के साथ में देखेंगे, ठीक है। अभी तक क्या मैंने थ्योरी भी पढ़ाई, उसमें स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया, बट अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि उसको एक समराइज करूँ, एक रिवीजन का वीडियो बनाऊँ जिसमें एक न्यूफ्रॉन का स्ट्रक्चर के साथ साथ यूरिन फॉर्मेशन को भी स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाऊँ, ठीक है। तो उससे और भी ज़्यादा क्लियर होगा। आई होप अभी तक तो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियोस को बार बार देखिए, क्योंकि एक बार देखने से चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कुछ ना कुछ आप मिस कर जाओगे। इसलिए वीडियोज़ को बार बार देखो जिससे चीज़ों को कम्प्लीटली आप समझ सको, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ इनबॉक्स करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।